आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन परिवर्तन होता है? संघनन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन होता है? द्रव से वाष्प बनता है, वाष्प से ठोस, ठोस से द्रव या वाष्प से द्रव। संघनन की प्रक्रिया कब होती है? जब वाष्प जो है, जो कि पानी से या फिर पेड़ पौधे के पत्तियों से वाष्प जो है वो ऊपर की ओर उठता है और वो मतलब गरम गरम जो हवा है उसके चलते जो वाष्प बनता है पानियों में से, वो पानी जब ऊपर की ओर उठता है तो बादल के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वही बादल से जब द्रव के रूप में वो नीचे की ओर फिर आ जाता है, यानी कि धरातल पर आ जाता है। तो इस दौरान क्या होता है? वाष्प से द्रव में बदलता है। तो जो संघनन की जो प्रक्रिया है वो है वाष्प से द्रव। इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? वाष्प से द्रव। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।